है। अगर जयराम ठाकुर जी का फोटो लगाएंगे तो हमें जनता वोट नहीं दे रही है, बहुत निराश है। एक सीट आएगी, वो भी शायद आ जाए तो सिराज की आ जाएगी, क्योंकि करोड़ों रुपया वहां फूका है। मंडी के दूसरे विधायक भी रो रहे हैं कि विकास का पैसा हमारे यहां नहीं आया है। सोलन में आया है, बताइए सोलन में दिख रहा है विकास पे पैसा मुख्यमंत्री जी? तो ये जनता जानती है कि आज जो प्रधानमंत्री जी 5 साल में 5 बार नहीं आए, आज वोटों के लिए 15 दिन में, पिछले मात्र 15 दिन में 5 बार आ चुके हैं, यहां बैठ गए हैं। नड्डा जी हमारे बीच में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी किसी भी क्षण पहुंचने वाली है, हमारे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, मंडी के नेता, पूरे हिमाचल के नेता, ताकत देने वाले ठाकुर कोल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि आकर हिमाचल की जनता को अपना संदेश दें और एक ताकत दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा परिवार एक मजबूती और ताकत के साथ एकजुट होकर भाजपा के इन तंबुओं को उखाड़ने के लिए आज मैदान में उतर चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच और देवभूमि के आए हुए मेरे भाइयों, बहनों और नौजवान दोस्तों, अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रही है, आप लोगों को संबोधित करेगी। अभी आप जानते हैं आज 3 बजे से चुनाव आयोग अब इलेक्शन की घोषणा करने जा रहा है। मुझे आप लोगों से निवेदन करना है कि आज से ही आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार में डट जाएं और भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक आप पहुंचाएं। जयराम सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है। आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज गरीबों का और मध्यम वर्ग का जीना इस सरकार ने हराम कर दिया है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जयराम सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया है। जयराम सरकार के वक्त में जितने भी परीक्षा हुई है सबके जो है पेपर लीक हुए हैं। और सबसे आखिरी उदाहरण है पुलिस का पेपर लीक हुआ जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। हेलो, हमने मांग की थी कि सीबीआई की जांच कराई जाए। जयराम जी ने कहा कि हाँ सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन जांच नहीं करवाई है। इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा घोटाला है, बड़े लोगों को बचाने की जयराम जी की साजिश है। आप जानते हैं जयराम सरकार जब से सत्ता में आई है हिमाचल को आर्थिक दिवालिए के कगार पे खड़ा कर दिया है। आज हिमाचल प्रदेश का ऋण 75,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। आज फजूल खर्ची करने वाला सबसे पहला मुख्यमंत्री जयराम हिमाचल प्रदेश में साबित हुआ है। विकास के काम सारे ठप पड़े हैं। जो कांग्रेस के वक्त में, श्री वीरभद्र सिंह के वक्त में विकास के काम हुए हैं उनका ही उद्घाटन जयराम कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, जन जन तक ये आप बात पहुंचाएं, जितने भी उद्घाटन जयराम जी ने किए हैं वो सभी उन्हीं कार्यों के हैं जिन कार्यों का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने काम शुरू किया था, उन्होंने उसके बदल किया था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, वो विकास प्रचून में नहीं करते थे, वो विकास थोक में करते थे और जो कहते थे
उसको करते भी थे। हमने जो चुनाव घोषणा पत्र 2012 में बनाया था, वीरभद्र सिंह सरकार बनते ही उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसका मैं अध्यक्ष था, और हमने 5 साल के अंदर 95% जो चुनाव घोषणा पत्र था उसको लागू करके दिखाया है। और जयराम सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आपका चुनाव घोषणा पत्र कहाँ है? एक भी वायदा आपने पूरा नहीं किया है। आपने कहा था भूमि अधिग्रहण में हम फैक्टर 2 लागू करेंगे, 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन आपने तो 2 गुना मुआवजा तक की सीमित रहा। कैबिनेट की सब कमेटी बनाई, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, आप ही हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, आप लोग ही सरकार बनाते हैं, और आप लोग गांव-गांव में जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, और कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए आप विचार करेंगे। जयराम सरकार का पाप का घोड़ा भर चुका है, और कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है, भ्रष्टाचार का घड़ा भरता है, तो वो फटता जरूर है। मैं जयराम जी के बारे में इतना ही कहूंगा, जयराम जी जब चुनाव होंगे ना तुम ही रहोगे ना साथी तुम्हारे, जब गिरेगी डूबेगी तीसरी डूबे के सारे। धन्यवाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। अब आप सब लोग नारा लगाएंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आप सब लोग हाथ खड़ा करके जोर से नारा लगाइएगा जो पीछे भी बैठे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज हमारी महबूब नेता जिनका आप इंतजार कर रहे थे इतने देर से, हमारे मध्य पहुंच चुकी है स्टेज के पीछे। लोगों से मिल रही हैं, अभी वो शूलिनी माता के दर्शन करके पधारी हैं। जितने भी लोग हमारे कुछ सड़क में हैं या पीछे, आप सब लोग नीचे आ जाएं। और आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के साथ शंखानंद कर रही है अपने चुनाव प्रचार का। जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका कि कोड ऑफ कंडक्ट लगता है आज शाम तक लग जाएगा, आप देख रहे हैं हमारी पूरी स्टेज, हमारे महबूब नेता जो हिमाचल और हिमाचल से बाहर के आए हैं, सब लोग यहां बैठे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमारे इंचार्ज श्री राजीव शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी साथ में आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं यहां पर हमारे AICC के सेक्रेटरी श्री गुरकिरत सिंह कोटली जी, AICC के सेक्रेटरी श्री तेजिंदर पाल बिट्टू जी, AICC के सेक्रेटरी श्री संजय दत्त जी, जो हमारे तीनों लोग यहाँ पे परमानेंट सेक्रेटरी हैं, राजीव शुक्ला जी के साथ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों की उत्सुकता। हमारे सभी MLA गण, हमारे पूर्व अध्यक्ष गण, हमारे मध्य बैठे हैं श्री सुधीर शर्मा AICC के सेक्रेटरी, श्री रामलाल ठाकुर जी MLA हैं और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री विनय कुमार जी, पूर्व में रहे अध्यक्ष और प्रवक्ता श्री कुलदीप राठौर जी, श्री कौल सिंह ठाकुर जी, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब के, पूर्व में मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, बहुत बड़े दिग्गज नेता है पंजाब के, हमारे मध्य आप देख रहे हैं। CLP के लीडर और सुखविंदर सिंह ठाकुर जी पहुंच चुके हैं, बिल्कुल स्टेज के पीछे आ गई हैं। सभी लोग अपना स्टेज पे जो खड़े हैं बैठ जाएं अपनी जगह पर। विनोद सुल्तानपुरी जी का भी स्वागत है बड़े हजूम के साथ, ये भी यहां पर पधारे हैं। श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी बैठे हैं, श्री विक्रमादित्य सिंह जी शिमला रूरल के अध्यक्ष हैं,
माफ कीजिएगा एमएलए हैं, रोहित ठाकुर जी जुब्बल कोटखाई के एमएलए हैं, भवानी पठानिया जी नूरपुर से एमएलए हैं, फतेहपुर से एमएलए हैं, सतपाल रायजादा जी ऊना से एमएलए हैं, श्री संजय अवस्थी जी हमारे सोलन के ही अर्की से एमएलए हैं, श्री राम कुमार जी बैठे हैं हमारे पूर्व एमएलए दून, श्री हरदीप बाबा जी इंटक के प्रेसिडेंट, जैनब चंदेल जी महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, अनिरुद्ध जी भी आए हैं हमारे कसुमटी के एमएलए, हमारे भी श्री राजीव शुक्ला जी जो हैं वो स्टेज पे आ चुके हैं, आप सब लोग तालियों से स्वागत करें श्रीमती प्रियंका गांधी, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आ रही है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारे बीच आ चुकी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, और जोर से बोलिएगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज ये ठोडो मैदान जो सोलन का इस बात का गवाह है कि आज से कई वर्ष पूर्व प्रियंका गांधी जी के दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी यहीं पे एक जनसभा संबोधित की थी, आज उनकी पोती और हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी आज हमारे बीच इस खुशी के माहौल में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के साथ हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव का शंखानंद करेगी। आप सब लोग जो ऊपर से आ रहे हैं अपना स्थान ग्रहण करें, पुलिस वालों से मेरी अनुरोध है कि वो लोगों को आनी दे, पीछे बैठना है सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप पर चलो, हमारे मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भी आ गए, आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, श्री भूपेश बघेल जी आप जोर से तालियों के साथ इनका स्वागत करें, श्री भूपेश बघेल जी जो हमारे ऑब्जर्वर है, सीनियर ऑब्जर्वर। हमारे मध्य प्रियंका गांधी जी आ गई हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, और जोर से बोलिएगा श्रीमती प्रियंका गांधी, जो पीछे बैठे हैं लोग अपना हाथ खड़ा करके बोलिएगा श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, और जोर से बोलिएगा श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। आप देख रहे हैं हमारा पूरा सम्मानित मंच और हमारे सारे सीनियर लीडर्स आपका अभिवादन करते हुए हमारे मध्य आज हमारी अनुकरणीय नेता
दूरदर्शी नेता, सत्यनिष्ठ नेता, अखंडता से परिपूर्ण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और श्रीमती इंदिरा गांधी की पोती, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पुत्री, और हम इनको गर्व के साथ कह सकते कि हिमाचल की निवासी है श्रीमती प्रियंका गांधी हमारे मध्य आई। आप जोर से तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है, हिमाचल में चुनावी समर आ गया है, आज ही शाम को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है। हमारी महबूब नेता ने हमें समय दिया और इस ठोडो मैदान से सोलन के चुनाव का प्रचार परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के द्वारा शुरू हो रहा है, और जिस प्रकार से हमारा स्वागत का समारोह है, इसमें मैं धनीराम शांडिल जी से आग्रह करूंगा, माफ कीजिएगा, पहले श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी को शॉल और टोपी पहना करके स्वागत करेगी। आप लोग जोर से तालियों में कोई कमी ना रखे, इससे एनर्जी आती है वर्कर रैंक एंड फाइल में। और श्री भूपेश बघेल को टोपी पहनाकर सम्मानित करेगी प्रतिभा सिंह जी, और श्री राजीव शुक्ला जी को भी टोपी पहना करके स्वागत करेगी। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो यहाँ के एमएलए पूर्व में सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, बहुत ही स्वागत करेंगे श्री धनीराम शांडिल जी शॉल और टोपी के साथ श्रीमती प्रियंका गांधी जी का। आप तालियां बजाते रहिएगा, और मोमेंटो भी वो देंगे। और श्री भूपेश बघेल जी को, भूपेश बघेल जी को भी वो शॉल टोपी पहना करके और मोमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। श्री बघेल जी पिछले 2 महीनों से श्री राजीव शुक्ला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हिमाचल में चुनाव में साथ दे रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री राजीव शुक्ला जी को जो हमारे प्रभारी है, पिछली 2 साल से जिन्होंने पूरी कांग्रेस में ताकत दिखाई है, यहां पर इकट्ठा किया है, शुक्ला जी को, हाँ बस इतना ही है, इतना ही है। और अब हम ये अपना प्रक्रिया आगे शुरू करते हैं। आज जो इस कैंपेन का एक गाना है उसको लॉन्च करेंगे प्रियंका जी के हाथों से, हम आप सब लोग देखेंगे। हमारे AICC के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं गोकुल पटेल जी और सरल पटेल जी, ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी के हाथों से हमारा ये कैंपेन सॉन्ग लॉन्च होने जा रहा है, आप जरा इसको देखिएगा। ये देखिए आप पीछे स्क्रीन पे कितना जोरों से आ रहा है, हिमाचल का रिवाज जारी है, फिर से कांग्रेस आ रही है, बातें खुशहाली की होंगी, रुकी उम्मीदें पूरी होंगी, अब कांग्रेस की बारी है और रिवाज भी जारी है। फिर से कांग्रेस जो आएगी, पुरानी पेंशन वो लाएगी, आधी तनख्वाह का होगा सहारा तो अब फैसले की बारी है, बड़े
परेशान हर कर्मचारी है। हिमाचल का रिवाज जारी है, फिर से कांग्रेस आ रही है। हिमाचल का रिवाज जारी है, फिर से कांग्रेस आ रही है। ₹1500 हर माह मिलेंगे, घर के खर्चे चल निकलेंगे। हर घर लक्ष्मी जी आएंगी, खुशहाली फिर से छाएगी। अब कांग्रेस की बारी है और अपनी दावेदारी है। 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी, महंगाई का होगा हल। 5 लाख नए रोजगार से रोशन हो का कल। अपनी जिम्मेदारी है और फैसले की बारी है। तालियां बजाइए आप लोग, तालियां जोर से, पीछे तक हाथ उठा करके, इस तरह से हमारी नेता को लगना चाहिए कि आप में जोश है। अब हाथ उठा के तालियां बजाइए, जो पीछे स्टेडियम में बैठे हैं लोग, हाथ उठा के तालियां बजाइए। धन्यवाद। आपने देखा, थोड़ा वॉल्यूम करने वाले, किस तरह से ये कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च किया गया श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा। और अब सीधे हम, जो मुझे आदेश हुआ है, जोरदार तालियों के साथ देखिएगा ये कांग्रेस पार्टी का रंग। ये जो बैलून आसमान में छोड़ दिए गए हैं, इससे कितनी सुंदरता लग रही है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे स्थानीय एमएलए, पूर्व मेरे सीडब्ल्यूसी के मेंबर, पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, वो अपनी वेलकम स्वागत में आकर के श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्वागत में चंद शब्द कहें, समय का अभाव है। श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, सभी को नमस्कार। लोकतंत्र के इस महान उत्सव में हमारे बीच विद्यमान परम सम्मानीय, परमादरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हमारी महासचिव हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की माननीय सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे राज्य के प्रभारी राज्यसभा सांसद, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे बीच श्री राजीव शुक्ला जी,
समय का अभाव है, सभी के नाम लेना चाहता हूं। अबे सभी लोगों सम्मान से आदर से एड्रेस करता हूं, सभी सम्मानित मंच। जिला शिमला से, जिला सोलन से और जिला सिरमौर से, दूर दूर के इलाकों से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश और उत्साह से यहाँ पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए आए हैं और इस पावन नगरी में, माँ शूलिनी की नगरी में कुछ ही क्षण पहले प्रियंका जी स्वयं वहाँ माथा टेक के आई हैं और मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद लेकर। मुझे याद आता है 1979 का वो दिन जब हमारी लोह नारी, हमारी बहुत ही प्रिय नेता इनकी दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसी छोटो ग्राउंड में एड्रेस किया था एक बड़े सम्मेलन को। तब भी जगह कम पड़ गई थी, आज भी मैं देख रहा हूँ जगह कम पड़ गई है। उसके बाद 1998 में हमारी परम आदरणीय और कांग्रेस चीफ श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यहाँ पर इसी प्रकार से रैली को एड्रेस किया था। अब परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में आज प्रियंका जी हमारे बीच आई हैं और जो जोर से तालियों से इनका अभिवादन करें, स्वागत करें। सोलन की इस पवित्र धरती से, माँ शूलिनी के आशीर्वाद से प्रियंका जी आपने चुनाव का शंखनाद किया है और माँ शूलिनी का आपके ऊपर आशीर्वाद और इन सब कार्यकर्ताओं पर आशीर्वाद, इस कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस पर आशीर्वाद है, हम विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हमारे बीच पाकर सभी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की छवि आप में नजर आती है, आपकी चाल ढाल में, आपकी बोल चाल में, आपके व्यवहार से एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट हो जाता है कि हमें आसानी से आपके दादी जी याद आते हैं। आप इंदिरा जी की प्रतिमूर्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, सोलन को एक सेंट्रल पॉइंट है, चुना है इस शंखनाद के लिए, मैं उनका भी इस मंच से बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे समय में जब हम इतनी संख्या में यहां पे इस लोकतंत्र के उत्सव को मना रहे हैं, हमारे युवा और वीर नेता भारत जोड़ो की यात्रा पर, राहुल जी भारत जोड़ो की यात्रा पर चल रहे हैं, जिनके साथ लाखों लाखों हर दिन उनकी रेटिंग अगर आप देखें उनके साथ जुड़ रहे हैं। और याद आता है 1945 का भारत छोड़ो अभियान जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को भगा दिया था, आज भी हम इसी प्रकार के एक प्रकार से युद्ध में खड़े हैं, हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु हम ये समझते हैं कि आज मैं सचमुच में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं 1971 के युद्ध में था जब रात को तकरीबन 9 बजे के बाद हमारे जियो सिंसी ने बताया कि सब जवान बंकर में अपने प्यारे प्राइम मिनिस्टर को सुनेंगे, इंदिरा गांधी को सुनेंगे। उनकी जो भाषण देने की जो ताकत थी और जो उनके बीच में जो ओज था, जो शक्ति थी, वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। वही शक्ति मैं समझता हूँ श्रीमती प्रियंका गांधी में है और इनके यहाँ आने से हमारी रैंक एंड फाइल वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी, उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा और हम कांग्रेस का जो हमारा काम है वो अपने तरीके से ठीक तरीके से करेंगे। एक आधी चीज और बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में बागवानों, फूल वालों और सब्जी का क्षेत्र है। मैडम प्रियंका जी के सामने जैसे अभी ओपीएस की एक छोटी सी टोली बैठी थी कुछ एक लोगों की, वो क्योंकि मैं घोषणा पत्र का अध्यक्ष भी हूँ और मुझे भी निर्देश मिले हैं जिस प्रकार से हमारे
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इनके साथ सभी हमारे नेताओं ने मिलकर 10 गारंटी दी है, उनमें ओपीएसटी एक बहुत बड़ी गारंटी है। और इस क्षेत्र में लोगों की डिमांड है कि हम यहाँ पे टमाटर ज़्यादा पैदा करते हैं, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, उसका यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडी में जाए। मैं समझता हूँ हम उस ओर जाएंगे जब आप लोगों के जोश से हम चुन कर आएंगे। इन सब बातों का ध्यान करते हुए कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। और प्रियंका जी, आपका एक बार फिर ये सारा जनसमूह धन्यवाद करता है, छत्तीसगढ़ से आए मुख्यमंत्री और सभी जितनी रैंक एंड फाइल साथ आए, राजीव शुक्ला जी दिल्ली से आए हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं, प्रताप बाजवा जी हैं, सभी बड़े नेता बिट्टू जी हैं, मैं इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। CLP लीडर और हमारे सुकुत भाई, जो दूसरे सभी हमारे माननीय जितने भी हमारे साथ के साथी हैं यहाँ आए, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सिर्फ मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जोर से नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आप श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व में रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके बीच इस भरी जनसंख्या, माफ कीजिएगा, पूरी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी, दोनों हाथ खड़ा करके, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी। सम्मानित प्रियंका गांधी जी, सम्मानित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानित राजीव शुक्ला जी, सम्मानित प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित मुकेश अग्निहोत्री जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जन और दूर दराज क्षेत्रों से आए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का सुनली माता के इस जिला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियंका जी, आपका हिंदुस्तान में कहीं भी कोई घर नहीं है और हमें पहाड़ियों को इस बात की खुशी है कि आपने हिमाचल प्रदेश में अपना सिर्फ एक घर बनाया है। आप यूपी में राजनीति कर रहे थे और राज्यों में जाके राजनीति कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में आज इस राजनीतिक रैली के माध्यम से आप हिमाचल की भोली भाली जनता को पहली बार संबोधित करने जा रही है। इसके लिए हम सब हिमाचलवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप उस परिवार से आती है जिस परिवार का इतिहास सेवा से भरा है, त्याग से भरा है, बलिदान से भरा है। आप उस पहले प्रधानमंत्री की परपोती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया और आजादी के बाद जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, पंडित नेहरू जी की सोच के द्वारा पंचवर्षीय योजना लाई गई और सुई से लेकर भाखड़ा बांध के निर्माण का शिलान्यास पंडित नेहरू जी की नीतियों द्वारा किया गया। आप उस परिवार से आती है, श्रीमती इंदिरा गांधी की आप पोती है, राजीव गांधी जी की बेटी है। अगर उनके बारे में बात ना की जाए तो यह रैली अधूरी रहेगी। आप का परिवार इस देश की एकता और अखंडता के लिए
हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहा। आपके परिवार ने दो दो प्रधानमंत्री दिए और दो दो प्रधानमंत्रियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जो पार्टी आज सत्ता में है, आज राष्ट्रभक्ति की जो परिभाषा वो गढ़ने जा रही है, वो झूठी परिभाषा कभी सफल नहीं होगी। झूठ बार बार सच से टकराता है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। अगर देशभक्ति की परिभाषा कहीं से शुरू होती है तो वो आपका परिवार है, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देखा कि देश चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है, बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र खड़ा करके दिया। सुबह का नाश्ता करके श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी चौखट से जब बाहर कैर रखती है इस देश की अखंडता और एकता के लिए, अपनी छाती पर 36 गोलियां सहन की, उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, कांग्रेस जनों ने अपील की, अपनी पायलट की नौकरी छोड़कर वो देश सेवा में आए। उन्हें क्या पता था कि 5 साल बाद देश के दुश्मन भी उन्हें बम से उखाड़ देंगे। आप उस परिवार का प्रतिनिधित्व करती है, हिमाचल के लोग आपको शत शत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 35 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं, 35 दिन बाद आपके पास जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल आप करेंगे। पिछले 5 साल से आम आदमी कमर तोड़ महंगाई से पीस रहा है। आज जो गैस का सिलेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के समय सिर्फ 400 रुपए का हुआ करता था, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सिर्फ गैस के सिलेंडर का रेट 30 रुपए बढ़ा, 370 से 400 रुपए हुआ। अपनी रैलियों में, इसी तरह की रैलियों में को संबोधित करते कह रहे थे कि गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो गया। भाइयों एवं बहनों, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को महंगाई का मां शब्द लेने में भी शर्म आती है। और आपके घर में अगर गैस का सिलेंडर होगा तो सुबह उठकर पूजा करके जाइए। आज मोदी जी से यह पूछा जाना चाहिए, जो गैस 2014 में 400 रुपए की हुआ करती थी, आज 1100 रुपए की हो गई है। इस महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में 14 लाख के करीब युवा रोजगार कार्यालय में नौकरी की कतार में खड़े पाए गए हैं। नौकरी सिर्फ सरकार में, जयराम सरकार ने सिर्फ 7000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल दी है। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पुलिस घोटाला सबसे बड़ा आजादी के बाद का घोटाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए रोजगार नीति लेकर आ रही है। हमने गारंटी में कहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और यह जनता इस बात का इंगित करती है कि हम चुनावी रैलियां पैसे, धन और बल से नहीं करते, हम भावनाओं से चुनावी रैलियां करते हैं। आज जनता की भावना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो सरकार है उसको उखाड़ने के लिए, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, एकजुट होकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है। समय कम है, हम अपनी महबूब नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी
पार्लियामेंट शिमला पार्लियामेंट के क्षेत्र से आए सभी लोगों का, युवा का, महिलाओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। धन्यवाद सुखू जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीएलपी के लीडर और हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में बहुत जोरों से विधानसभा में अपना कार्य दिखाया, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आए और जनसभा को संबोधित करें। आप सब सरकार बदलने के लिए तैयार हैं? मैंने नहीं सुना, आप सरकार बदलने के लिए तैयार हैं? वो पीछे वाले बताओ, सरकार बदलने के लिए तैयार है? तो आज दिन को 3 बजे कोड लग रहा है। जयराम सरकार सिर्फ 28 दिन की मेहमान रह गई है। 28 दिन की मेहमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। और आप सब जो है सर पर कफन बांध के घर से निकल पड़ो। जितने भी लोग यहां पे आए हैं, मेरा आप सबसे ये आग्रह है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज हमारे इस कैंपेन को जो है लॉन्च करने के लिए आए हैं, और मैं प्रियंका गांधी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में 28 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार होगी। जितना मर्जी ताकत लगा लें, मोदी जी आ जाए, योगी जी आ जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, जयराम सरकार को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता जयराम सरकार को। जिस ढंग से इस प्रदेश में 5 साल शासन हुआ है, अभी मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भाई मुसाफिर साहब आपको देख लिया, प्लीज बैठ जाओ। और मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहना चाहता हूं, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। जहां भी जाना है, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हिमाचल का पीछा छोड़ दो। और कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे, किसी पेड़ के नीचे बैठे क्या गा रहे होंगे, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, जब ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे, जब नीचे नाटियां पड़ा करती थी, वो समय जो है समाप्त होने जा रहा है 28 दिन के बाद। 28 दिन और एक ऐसा शासन। मैं कल देख रहा था मोदी जी आए हुए थे, उस रैली में क्या कहा जा रहा था, ये बताएं गांधी परिवार ने इस प्रदेश के लिए क्या किया, ये बताएं कांग्रेस ने इस प्रदेश के लिए क्या किया। अरे कांग्रेस ने तो इस प्रदेश को बनाया है, कांग्रेस ने इस प्रदेश को बनाया है। अगर जवाहरलाल नेहरू ना होते तो माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट एक्सेप्ट ना होती। कमीशन ने क्या कहा था, महापंजाब बनाया जाए, लेकिन नेहरू जी ने सिंगल मैन की सिफारिशों को मानते हुए हिमाचल बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। इंदिरा जी ना होती तो हमें पूर्ण राज्यत्व ना मिलता। आज जो हम स्टेटहुड मना रहे हैं, आयोजित सरकार 51 साल मना रही है हिमाचल प्रदेश का, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है। आप तो उस समय स्टेटहुड मारोहुड के नारे दिया करते थे, आप हिमाचल बनने के खिलाफ थे। प्रियंका जी, आज हमारा दुर्भाग्य है, आज देश में और आज प्रदेश में ऐसी सरकारें हैं जिनका हिमाचल बनाने में कोई योगदान नहीं है, जिनको हिमाचल का एक एक बच्चा अगर करजाई है तो वो गांधी परिवार का है, आपका करजाई है। और अब आप तो जो है हिमाचल के निवासी हैं, अब तो आप हिमाचल के रहने वाले हैं, हम आपको नेता के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, हम आपको जो है एक हिमाचल प्रदेश में, आपने जो आप देश में कहीं भी मकान बना सकते थे, सारा देश विदेश आपको सर आंखों पे बिठाता। अगर आपने शिमला में मकान बनाया है तो यह नेहरू गांधी परिवार का हिमाचल के प्रति प्यार को दर्शाता है। यही बात है, आज ये जो रैली हो रही है ये कोई सरकारी रैली नहीं है, ये मोदी जी की तरह 2000 सरकारी बसें लगा के रैली नहीं की जा रही है, ये जो है ये जो
एक एक दो दो तीन तीन करोड़ रुपए लगा के रैलियां की गई, अभी वो रैली नहीं है। ये सब लोग आप, आपके प्यार से बंधे हुए लोग आप यहां पे आए हैं। आप और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा समय हिमाचल प्रदेश को दें, थोड़ा सा दें, आप निश्चित तौर पे 28 दिन के बाद यहां कांग्रेस की सरकार को पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार कर लो, मानसिक तौर पे तैयार कर लो कि आप जा रहे हैं। और वैसे तो मैं ये कहता हूं, जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, तुम्हारा जाने का समय आ गया है, कुर्सी को छोड़ो, इसकी बहुत बर्बादी हो गई इन 5 सालों के दौरान। और यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया सलूक करती है हलवाई की तरह, दुनिया सलूक करती है हलवाई की तरह, और जयराम तुम भी उतारे जाओगे दूध में मलाई की तरह उतारे जाओगे। तुम्हारा समय आ गया है, समय समाप्त हो रहा है, शुरुआत आज से हो गई है। आपने कल जिस ग्राउंड में आप रैली कर रहे थे मोदी जी, जहां पे आप कह रहे थे कि गांधी परिवार ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखना था, वहां इतना बड़ा बोर्ड लगा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहां पे इतना बड़ा स्टेडियम, वहां पीछे बोर्ड लगे हुए हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम, और आप पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। और इसलिए जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा है, चाहे कर्मचारियों के एरियर्स का मुद्दा है, चाहे ये, तो यहां जो भी मुख्यमंत्री हुए, डॉक्टर परमार हुए हिमाचल बनाने वाले, वीरभद्र सिंह हुए आधुनिक हिमाचल का निर्माण करने वाले, जयराम को अगर याद किया जाएगा तो नौकरियां बेचने वाला मुख्यमंत्री के तौर पे याद किया जाएगा। जब 6-6 लाख की नौकरी बिकी, जब पुलिस की नौकरियां बिक गई, जब पंप ऑपरेटरों की नौकरियां बिक गई, और कह रहे हैं कि वीरभद्र का मॉडल क्या है, वीरभद्र का मॉडल तो विकास मॉडल था, आपका जो मॉडल है वो फिजूल खर्ची का मॉडल है, बर्बादी का मॉडल है। और ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को कभी नहीं मिला होगा। जो बर्बादी हुई है 5 साल के दौरान, अपराधिक वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी हो गई, हिमाचल 50 साल पीछे चला गया इस मुख्यमंत्री के रहते, इस कैबिनेट के रहते, जितना भ्रष्टाचार किया गया, जितनी लूट हुई है, जितना झूठ बोला जा रहा है। अभी भी जो है 3 बजे कोर्ट लगना है, अभी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, अब और कह रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। अरे आप जो शिलान्यास कर रहे हैं, 24 घंटे में तो टॉयलेट नहीं बनता, ये प्रोजेक्ट्स कहां से बनेंगे, 24 घंटे रह गए हैं, 24 क्या रह गए, अब तो 3 बजे कोर्ट लग जाएगा। इसलिए पहाड़ के जो कहा जा रहा है कि पहाड़ के लोगों का जीवन आसान करेंगे, पहाड़ के लोगों का जीवन आसान कर चुके हैं कांग्रेस की सरकारें, इंदिरा गांधी जी की सरकार, जो हमें ये कल बात कर रहे थे, रोहतांग टनल हमें किसने दी, सोनिया गांधी जी ने दी, मनमोहन सिंह जी ने दी, जब 1400 करोड़ रुपया दिया गया था जिस पे इन्होंने अपना नाम लगा लिया। IIIT हमें किसने दी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दी। IIT हमें किसने दी, वो पिछली सरकार ने दी। IIM हमें किसने दिया, वो पिछली सरकार ने दिया। और फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट हमें किसने दिया, वो हमें कांग्रेस की सरकार ने दिया। आपने हमें क्या दिया, आप बताएं, पूरा इतना पंडाल में आप बैठे हैं, आप जहां भी देखते होंगे आपको कांग्रेस नजर आती होगी। इसलिए मेरा आपसे सबसे आग्रह है, जो लोग कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे, ये रिवाज नहीं बदलेगा, यहां तो सिर्फ राज बदलेगा, ताज बदलेगा, जयराम बदलेगा। और आप सब लोग मिलके हमारे साथ, प्रियंका जी ने जो आज शुरुआत की है उसमें हमारा साथ योगदान दें। जहां जहां प्रियंका गांधी जी आएंगी सारा हिमाचल चलेगा। आप सब प्रियंका गांधी जी के साथ हिमाचल में चलोगे, आप सब चलोगे लड़ाई लड़ने के लिए, जयराम सरकार को हटाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। आप, मेरा आपसे यही आग्रह है, 28 दिन आपके, फिर कांग्रेस का समय जो है आ रहा है। इसलिए हमारा साथ दें, कांग्रेस का साथ दें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद अग्निहोत्री जी। मैं अनुरोध करूंगा, समय की कमी है,
श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारे हिमाचल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं वो आए अपना संबोधन करें। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी आदर के योग्य आज की हमारी मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, छत्तीसगढ़ से आए मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, हमारे यहाँ मंच पे बैठे प्रभारी और सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सचिव, सभी सह प्रभारी, प्रदेश के विधानसभा के सभी हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रचार समिति में के अध्यक्ष श्री सुखिंदर सुक्खू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे सभी सहयोगी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी, श्री चंद्र कुमार जी, श्री राजेंद्र राणा जी, मंच पे उपस्थित सभी पूर्व विधायक, विधायक कांग्रेस के पूर्व सांसद और सभी जिला के ब्लॉक के अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, सगिम अग्रिम संगठनों के सभी पदाधिकारी, प्रदेश की जनसभा में आए सभी कोने को से आए मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आप सबका यहाँ पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जो आप इस प्रियंका गांधी जी की परिवर्तन रैली में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो इस महासभा और इस परिवर्तन रैली में भाग लेने के लिए बसारे संगठनों के लोग, हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, इंटक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप प्रियंका जी को सुनने यहाँ पर आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से श्रीमती प्रियंका जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो आपने इस रैली का आगाज यहाँ पर किया है और एक परिवर्तन जो हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है उसकी जो शुरुआत आपने की है, ये मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा और आप देखेंगे कि दिल का गुबार लोगों का है। लोग चाहते हैं कि हम इस सरकार से, भाजपा की नीतियों से बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, और लोग चाहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन करें। ये जो सरकार का कांग्रेस की सरकार ने काम किया है वो भी लोगों के सामने है। जैसा यहाँ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने वर्णन किया, हमारे प्रदेश के जो प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र आया, उनको भी एक हिमाचल प्रदेश से विशेष प्रेम था, वो भी अक्सर हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पर ठहराव करते थे। आप मनाली जाएंगे तो वहां आज भी उनकी प्रतिमा लगी है, लोग उनको नमन करते हैं। उनका अधिकतर जीवन जेलों में बीता, वो व्यक्ति जिसने अपने परिवार को त्याग कर देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका परिवार जानता है कि किस तरीके से उन्होंने कितना वक्त जेलों की सलाखों के पीछे गुजारा और तब हमें ये आज आजादी मिली है। जहां तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात यहाँ पर गई, आप सब जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हिमाचल प्रदेश से एक विशेष लगाव था, उनको अक्सर आया करती थी हिमाचल प्रदेश, केवल इन्हीं पहाड़ियों तक सीमित नहीं, वो लाहौल स्पीति की घाटियों तक जाती थी। जब वो आया करती थी तो इतना सिक्योरिटी का तामझाम नहीं हुआ करता था और वो डायरेक्ट लोगों के बीच में जाकर लोगों को पूछती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कहा था
कि जब वो लोगों के बीच जाकर पूछती थी कि मैं प्रधानमंत्री हूं, आप बताएं मुझे मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, तो लोगों ने कहा कि मैडम अगर हमारे लिए एक सुरंग का निर्माण हो जाए, एक टनल बन जाए, तो हमारी जिंदगी बहुत सार्थक हो जाएगी। हम 6-6 महीने से बर्फबारी से कट जाते हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं। और जैसे ही वो वापस लौटी, ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाई, पर हम आभारी हैं राजीव गांधी जी के, जिन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे हैं कि जो वो टनल है, वो पिछली सरकार जो हमारी यूपीए की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसमें एक एक पैसा उनकी बदौलत हमको मिला। उससे मुझे भी गौरव था, मैं एमपी बनकर जब मैं गई तो हमारी सारी डेलीगेशन लाहौल स्पीति से आई, उन्होंने सोनिया जी से भी भेंट की और उन्होंने अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा कि ये इंदिरा जी का स्वप्न था, हम चाहते हैं ये काम हो। सोनिया जी ने हमें पूरा सहयोग दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें पैसा दिया और आज आप देखते हैं कि लाहौल स्पीति के लोग आज उस टनल की वजह से जुड़े हैं। पर बड़े दुख की बात है कि जब उसका उद्घाटन होना था तो वहां पर मोदी जी को बुलाया गया, मोदी जी आए उस टनल का उद्घाटन करने के लिए। वो टनल रोहतांग के टनल से के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम बदल के भी उन्होंने अटल टनल रख दिया। और उससे भी दुखद घटना, जो वहां पर उसका शिलान्यास का पत्थर लगा था जिसमें सोनिया गांधी जी का नाम, वीरभद्र सिंह जी का नाम, केंद्र से आए मंत्री उनका नाम था, वो पट्टिका भी वहां से उतार दी गई। तो इस तरीके से जो इस सरकार ने काम किए हैं वो जनता जानती है और सबको भली भांति इस बात से का पता है कि जो ये सरकार केंद्र में आज है, चाहे वो मोदी की सरकार है, चाहे वो जयराम जी की सरकार है, लोग आज बैठे एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वोट डालने जाएंगे और कब वो इस सरकार को हटाकर दोबारा से कांग्रेस की सरकार को लाएंगे। इस घड़ी का इंतजार सब कर रहे हैं। मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं बोलना चाहती, आप लोग प्रियंका जी को सुनने आई हैं। मैं आप सब की तरफ से भी इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आप इसने इस विशाल जनसभा को आपने आप संबोधित करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो एक प्रण लेके जाएंगे कि जल्दी से जल्दी हमें इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है, सब वोटरों तक पहुंचाना है, ताकि जिस दिन हमारा वोट पड़ेगा वो कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा और हम जल्दी कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जो बाहर से आए अतिथिगण, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उनका सहयोग, उनका साथ हमें मिल रहा है। प्रियंका जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और सभी जो लोग यहाँ आए हैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का। मैं श्री प्रताप सिंह बाजवा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब हैं, वो 2 मिनट के लिए आए, उनकी डिमांड है कि 2 मिनट के लिए वो यहाँ पे स्पीच जरूर दें और उसके बाद श्री राजीव शुक्ला जी, बघेल साहब और मैडम बोलेंगी। श्री बाजवा जी, बहुत ही परम सत्कार योग प्रियंका गांधी जी, साडे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी,
मैम अगर इजाजत दें तो मैं पंजाबी में संबोधन कर लूं सभी को। साडे बहुत ही परम सत्कारयोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, साडे सैकटरी इंचार्ज शुक्ला जी, साडे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षा, साडे कंपेन कमेटी के चेयरमैन साहब, साडे सीएलपी के लीडर साहब, साडे मैनीफेस्टो कमेटी के चेयरमैन साहब, साडे ऑल इंडिया कमेटी के सारे सैकटरी साहबान स्टेज उत्ते सुशोभित, सारे ही साडे एमपीज एमएलएज वरिष्ठ हिमाचल के जिन्हें नेता ने सारे नो पहले ते प्रियंका जी मैं तुहाडे मुबारक कदमां ते तुहानू मुबारक देना चाहांगा कि धमाकेदार तुसी ए जिहड़ा अज सोलन च तुसी शुरुआत कीती है, पहली शुरुआत ही जित दे रस्ते ते लै चली सर। इन्ना वड्डा इकट्ठ मैनू पता लग्या उदों होया सी जदों किसे टाइम साडे सुरगवासी इंदिरा गांधी जी इत्थे सोलन विच आए सी। ते आम मनिया जांदा जदों भी सोलन दे विच इकट्ठ शुरू हुंदा हमेशा कांग्रेस जित के निकलती है। तो मैं दिली मुबारकबाद तुहानू पेश करूंगा, सोलन दे विच इतिहासक इकट्ठ ने यह साबित कर दिता कि एक महीना ही हुण भाजपा का सरकार च रह गया, एक महीने तो बाद इत्थे कांग्रेस की तुहाडी सरकार बनन वाली। प्रियंका जी साडी पार्टी वालों 10 गारंटीज हिमाचल नूं दित्तियां गईयां ने। सारे हिमाचल के लोग जानते ने कि कांग्रेस जदों गारंटी दिंदी है हमेशा उन्हां गारंटीज ते स्टैंड करदी। अज एक वर्कर्स की समूह बेनती है, प्रियंका जी मैं 2 मिनट, प्रियंका जी बघेल साहब 1 सेकंड, मैंने प्रियंका जी का, मैडम ऐसा है 10 गारंटीज पार्टी ने हिमाचल के लिए दी, उनका मानना है कि कांग्रेस इसको पूरा करेगी क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत बढ़िया। एक गारंटी वर्कर्स आपसे चाहते, इसीलिए मैं हिंदी में आया हूं कि शायद पंजाबी आप ना समझ पाए, हैं तो आप हमारी दी, हस्बैंड तो आपके पंजाब से हैं, तो कई दफा हो सकता है कि पंजाबी हमारी समझ ना आ पाए। वर्कर्स की गारंटी ये है, एक महीना अगला जो है ये आप बताइए, हिमाचल में 100% इलेक्शन हम जीत कर निकलेंगे। क्यों जे ताड़ी डिमांड है तो दोनों हाथ खड़े करके प्रियंका जी नूं दसो ये आपकी डिमांड है कि आप एक महीना इधर रहिए, अगर गारंटेड विन आप चाहते हो, आप इधर रहेंगे तो हजारों की तादाद में पंजाब का हमारा फुट सोल्जर हिमाचल में आएगा। और हम ये इस बात की आपको गारंटी देते हैं, यह 2/3 मेजॉरिटी से भी बड़ी जीत हिमाचल में होगी और 2024 की कांग्रेस की वापसी इस स्टेट से शुरू होगी। तो ज्यादा लंबा ना जाता हुआ मैं फिर पंजाबी चाल लगा, इन्होंने क्या सी असी डबल इंजन तुहानू सरकार देनी, डबल इंजन शुक्ला जी, मगर इंजन इन्होंने एक आगे लगा दी एक पीछे लगा दी और ट्रेन दोनों दो रास्तों में चलने लगी। अब ट्रबल इंजन हो गया, डबल इंजन नहीं, इंजन में ट्रबल आ चुका है। यह ट्रबल इंजन सरकार अब लंबा अरसा नहीं चल पाए। जो सरकार प्रियंका जी आप देखिए हिमाचल का इतिहास है, हर घर में एक सरकारी कर्मचारी, हर घर में ऑलमोस्ट हर घर में एक फौजी। जो सरकार बघेल साहब अपने फौजियों को पेंशन ना दे सके, जो सरकार अपने फौजियों को मेडिकल की सुविधा ना दे सके, जो सरकार अपने फौजियों को कैंटीन की फैसिलिटी ना दे सके, वो सरकार कहलाने के काबिल है? आपने कभी सुना है 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती कर दिए, 1.5 साल उनकी ट्रेनिंग होगी और 2.5 साल वो लड़ेंगे क्या जी देश के लिए? देश को कमजोर करने के रास्ते मोदी जी ने ढूंढ लिए। सो लंबा ना जाता हुआ प्रियंका जी हम आपका वेलकम करते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप इधर एक महीना रहिए। और एक मैंने गुजारिश अपने बैठे भाइयों और बहनों को करनी,
ये जो फर्जी इनकलाबियों की जमात पंजाब में आई है, फर्जी इनकलाबी, ये नकली इनकलाबियों की जमात जो पंजाब में आई, ये बीजेपी और आरएसएस की बी टीम है। ये एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जो एजेंडा है मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत, उसका एजेंडा ये फर्जी इनकलाबियों के जरिए, इन्होंने पहले उत्तराखंड में फिर गोवा में हमें कमजोर किया। कृपा कर आज पंजाब के हालात पूछिए, किसी की जिंदगी किसी के जायदाद महफूज नहीं। आप हमारे बॉर्डर पर हो, मैं आपको हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, अपना वोट खराब मत होने दीजिए, हर कीमती वोट कांग्रेस को और पंजे को डालना है। इतना ही कहता हुआ मैं मन से प्रियंका जी आपका और कांग्रेस की समूची लीडरशिप का थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने पंजाब से आकर हमें इज्जत भी दी, मान भी दिया और सम्मान भी दिया, और हमारा पुराना रिश्ता नौ ते मास का रिश्ता, आज तो 50 साल पहले पंजाबी लाहौल स्पीति तक पढ़ी जाती सी, बोली जाती सी, अज भी इत्थे बैठा होया सोलन हर मेरा वीर ते भैण पंजाबी समझदा, तो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करनी है तगड़े होके प्रियंका जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का साथ दो, ते असी पहले हिमाचल च कांग्रेस लाइए, फिर देश विच 2024 विच कांग्रेस लेके आइए। इन्ना ही कहिंदा होया, इजाजत दो, जय हिंद ते जय भारत। धन्यवाद बाजवा जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे इंचार्ज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व में रहे मंत्री श्री राजीव शुक्ला जी आए और संबोधन करें। आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय बघेल साहब, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा जी, सीएलपी लीडर मुकेश जी, कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुखू जी, मंच पर बैठे हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, समय बहुत कम है और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपसे ही बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हिमाचल के, हिमाचल का आगाज, हिमाचल की शुरुआत आज प्रियंका गांधी जी के हाथों से हुई है। और ये इस चुनाव में आप ये जान लीजिए कि प्रियंका जी ने इस चुनाव की शुरुआत की है तो इसमें फतेह निश्चित है, विजय निश्चित है। आपको पता है कि आपने जब यहाँ 4 उपचुनाव हुए थे, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का, चारों में हमें जितवाया था कांग्रेस में, और आज प्रियंका जी ने एक तरह से इस अभियान की शुरुआत करके इस बागडोर को अपने हाथ में लेके जो यहाँ शुरुआत की है, आप ये जान लीजिए। बाजवा साहब ने पहले ही अनुरोध उनसे कर दिया, हमने भी उनसे दरख्वास्त लगाई है और प्रियंका जी के नेतृत्व में आप ये देखिएगा कि हमारा चुनाव अभियान इतना जबरदस्त चलेगा और 100% हम 2/3 मेजॉरिटी लेके 2/3 बहुमत लेके यहाँ सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो सरकार यहाँ थी जयराम सरकार, उसने आपको क्या दिया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, भारी महंगाई, खाने पीने की चीजें महंगी, गैस महंगी, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, एप्पल पे, सेब पे टैक्स, और जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। हम जो है महिलाओं को 1500 रुपये महीने देंगे, सबके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आप ये हमारे सब लोग यहाँ जो बैठे हैं ये सब करें कि उन फार्म्स को भरवाएं सारे महिलाओं के लिए। हम जो है हर चीज़ सस्ती करेंगे, यहाँ पे GST जो सेब पे लगाया गया उसमें जो स्टेट का हिस्सा होता है उसमें हम कटौती करके करेंगे, 5 लाख युवा युवाओं को रोजगार देंगे, और हम जो स्टार्टअप फंड में आपने देखा हमारी 10 गारंटी में, उसमें भी हम 680 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं जो सब लोगों को मिलेगा। वो 10 गारंटी आप घर घर तक पहुंचाइए, ये योजनाएं घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए। आप हर कार्यकर्ता हैं जो बैठा है, वो सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी है, आप लोगों को पूरा अधिकार है, सब जगह जाके पहुंचाइए और कांग्रेस को विजय दिलाइए, इस सरकार से मुक्ति दिलाइए, भाजपा मुक्त हिमाचल हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आए और जनसभा को संबोधित करें। श्री बघेल साहब, हिमाचल के महान जनता को मैं दोनों हाथ से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी, आदरणीय प्रतिभा जी, आदरणीय सुखू जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय शुक्ला साहब, मंच मंच सभी
अतिथिगण, उपस्थित भाइयों, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने आपको दी है। भारतीय जनता पार्टी पूछती है पैसा कहां से आएगा। सही में उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उस पैसे से विधायक और सांसद खरीदते हैं। जयराम ठाकुर जी अभी से शुरुआत कर दिए हैं, फोन कर रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को, प्रत्याशियों को, भैया आ जाओ, इतना देंगे, कैबिनेट भी देंगे। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस आ रही है, 10 गारंटी आपको दी है, कैसे पूरा होगा मैं बताता हूं। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, राहुल गांधी जी हमारे नेता गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले, उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का ऋण माफ करेंगे। सरकार बनी, 10 दिन नहीं लगा, 10 घंटा नहीं लगा, 2 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हमने माफ किया। ₹2500 क्विंटल में धान खरीदेंगे, ये उन्होंने वादा किया। आज देख लीजिए, इस साल जो धान बेचेंगे किसान वो ₹2640 पड़ेगा। राहुल जी तो ₹2500 बोले थे, आज ₹2640। तो कांग्रेस कहती है वो करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, हम झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू। तो हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में ओपीएस लागू होगा, मतलब लागू होगा। आदरणीय साथियों, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आप प्रियंका जी सुनना चाहते हैं और मुझे भी बेल्लारी जाना, वहां नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, राहुल जी के साथ कल पद यात्रा में शामिल होऊंगा। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके जेब से पैसा निकालने काम करती है, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, डीजल की कीमत बढ़ा के, रसोई गैस की कीमत बढ़ा के, आपके जेब से पैसा निकालने काम कर रहे हैं। अब तो GST भी लगा दिया है, रोटी में 5%, पराठा में 18%, दही में भी GST, तो पैसा निकालने काम वो करती है। कांग्रेस है वो किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, महिलाओं के, नौजवानों के जेब में पैसा डालने काम करती है। आज आपसे वादा किया गया है कि महिलाओं को ₹1500 देंगे, आपसे वादा किया 300 यूनिट तक की बिजली बिल छूट देंगे, आपसे वादा किया है कि किसानों से 10 लीटर तक के दूध खरीदेंगे, 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। ये काम हम लोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, यहां भी होगा, हिमाचल में होगा। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मैं आपसे केवल इतना सवाल पूछता हूं। हाँ चाहते हैं, हाथ उठा के समर्थन करिए। तो बस एक नारा लगा के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने हाथ उठा के समर्थन किया है। ये लड़ाई ये नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई आपकी है। तो आप हाथ उठा के बताइए, आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते। आप ये लड़ाई अपने हाथ में ले लीजिएगा, देखिएगा, ये नोट धरे के धरे रह जाएंगे, काम नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में इतनी सीट आपने दी वहां की जनता ने 3/4 बहुमत से, हिमाचल में भी 3/4 बहुमत से कांग्रेस को जिताइएगा। ये पैसे धरे के धरे रहेंगे, और जयराम जी को आप जयराम कहिए, यही आपसे कहते हुए एक बार जोरदार जयकारा का आपसे निवेदन। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। यदि संचालक महोदय
हैं तो मैं प्रियंका जी सीधे आमंत्रित कर लूं। तो प्रियंका जी आप जोरदार ताली बजाइए। प्रियंका जी मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको संबोधित करें और मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहनों और भाइयों, आप इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूपेश बघेल जी, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री सुक्कू जी, श्री रामलाल जी, श्री चंद्र कुमार जी, राजेंद्र राणा जी, विनय कुमार जी, कुलदीप कुमार जी, कौल सिंह ठाकुर जी, कुलदीप राठौर जी, धनीराम शंडिल जी, AICC के सारे सारे सचिव और यहाँ पे उपस्थित तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आने से पहले मैं माता शूलिन के मंदिर में गई, इसीलिए इस सभा को सबसे पहले हम शूलिनी माता की जय बोल के शुरू करते हैं। आप मेरे साथ कहिए, माँ शूलिनी की, माँ शूलिनी की जय, माँ शूलिनी की जय। कई नेताओं ने इंदिरा जी की जिक्र किया। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था, यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए, उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। मैंने जब यहां घर बनाया शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी, उनका ये सपना था। उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूं और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वे यहां आई आप सबसे बातचीत करने के लिए, तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली। और उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। अक्सर कहती थी कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला पहाड़ जैसा विशाल है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उन्होंने शुरुआत की, शिमला में आकर सभा में ऐलान किया कि यह प्रदेश बनेगा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं, उस समय बहुत आलोचना हुई कि ये प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी,
वो इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे, कि इस प्रदेश को आप बनाएंगे। और उसी तरह से जो पहले मुख्यमंत्री जी वाईएस परमार जी थे, उन्होंने आपकी सहायता के साथ, आपके सहयोग के साथ ये प्रदेश बनाया। इस प्रदेश को किसने बनाया? सिर्फ किसी एक पार्टी ने नहीं, एक सरकार ने नहीं, इस प्रदेश को यहाँ के कर्मचारियों ने बनाया। इस प्रदेश को यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया, यहाँ की महिलाओं ने बनाया जो दिन रात काम करती हैं। इस प्रदेश को यहाँ के वीरों ने बनाया जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर अपनी आमदनी भेजते हैं। ये प्रदेश आपका है। तो आज ये चुनावी सभा नहीं है, ये एक सोचने का समय है, मंथन करने का समय है कि ये प्रदेश जो आपने बनाया, आगे बढ़कर इसका क्या होगा। जिन लोगों की मेहनत के बल पर आज इस प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर की कुछ सुविधाएं हैं, सड़कें बनी, विकास हुआ, ये आप सबने किया। अब आपके भविष्य को क्या होगा, ये समय है कि आप इसके बारे में सोचें। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ हैं वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है, नहीं। मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं, आज कहाँ हैं? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं, मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है, आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं, उनको तमाम PSU पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं, सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी उसके लिए आपके पास ना समय है और ना आपके पास पैसा है, और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। चलिए, कर्मचारियों की बात हुई, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहां? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, यहां पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिस से मिलती हूं, BA पास, MA पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनको, उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी, तो कैसी सरकार है ये? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागवानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहां पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं,
इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए, छोटे व्यापारी से पूछिए क्या आपकी तरक्की हुई है 5 सालों में, सब सरहिलाएंगे। तरक्की नहीं हुई। तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि GST लागू हुआ, कोरोना आया, कोरोना में सहायता नहीं हुई आपकी, लेकिन हाँ पीपीई पे घोटाला जरूर हुआ। युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। तो ये सरकार है पिछले 5 सालों से, किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं, मैं तो कहती हूं रिवाज आपने बदल दिया। जो कांग्रेस की सरकार यहां थी, जो सरकारें थी इतने समय से, जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो YS परमार जी हों, चाहे वो रामलाल ठाकुर जी हों, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी हों, सबने वही इंदिरा जी का जो आध्यात्मिक रिश्ता है आपके साथ, जो दिल का रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता निभाया, विकास कराया, शिक्षा के संस्थान बनाए, आपकी तरक्की के लिए काम किया। उस रिश्ते को इन्होंने, उस रिवाज को उन्होंने बदल डाला है। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा, रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। और क्या किया इन्होंने, इन्होंने आपको देने के बजाय आपसे छीना। छोटे दुकानदारों पर GST डालकर कमाई छीनी, बागबानों पर इन्होंने तमाम ये मुश्किलें डालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए आपकी कमाई छीनी। ये छोड़िए, युवा उम्मीद रखता था कि भर्ती होगा आर्मी में, फोर्सेस में, और आज उन्होंने अग्निवीर ले आए, अब वो अग्निवीर ले आए। अगर आप अपनी फौजियों को, अपने जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, उनको आप ठेके पे आप रखेंगे 3-4 महीनों के, सालों के बाद, बस खत्म बात, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलेगी। सिर्फ लिया है आपसे, छीना है आपसे। अरे महिलाओं से मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपको तो गैस सिलेंडर कहते हैं कि दिया, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कौन खरीदेगा, वो भी आपसे छीन लिया है। युवाओं का भविष्य छीना है, छोटे दुकानदारों की कमाई छीनी है, किसानों बागबानों की कमाई छीनी है, पेंशन छीना है। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? आप बताइए, क्या आप बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं, जोर से बोलिए, चाहते हैं। जिस से मैं मिलती हूं वो कहते हैं मुझे, हम बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं हम। आपके जो मुख्यमंत्री थे हमारे लिए काम करते थे, यहां घोटाले पे घोटाला हो रहा है। लेकिन सिर्फ इनके बारे में नकारात्मक बात करने के लिए नहीं आई हूं मैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस आपके लिए क्या गारंटी दे रही है, क्या कह रही है, क्या करना चाहती है। मैंने युवाओं की बात की, देखिए एक देश, एक प्रदेश के लिए युवाओं से ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपके भविष्य मजबूत होंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने तय किया है, और ये मैं यहां इस मंच पे खड़े होकर आपको गारंटी दे रही हूं कि जब हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनको जाना पड़ा, उन्होंने कहा था अभी आपके सामने कि उनकी सरकार बनी और जो वचन उन्होंने चुनाव में किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, वो 3 घंटों के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद वो वचन उन्होंने पूरा करना शुरू किया। आज यहां पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और नौकरियां मिलेंगी आपको।
कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। यहाँ पे तमाम युवा हैं, पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। जो नौजवान अपनी छोटी सी, अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको 0% ब्याज पर यह लोन मिलेगा और इसके लिए एक अलग से फंड बनेगा। जो सरकारी और पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें हिमाचल के रहने वालों को रोजगार की अहमियत मिलेगी। सबसे पहले आपको रोजगार मिलेगा। हर विधानसभा में हम कम से कम 4 इंग्लिश मीडियम पाठशाला बनवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के लिए कितना काम किया प्रदेश में। आज अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर हर नौजवान युवा युवती पढ़ी लिखी है, तो हम कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि ये काम वीरभद्र जी ने करवाया था। मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं जानती हूं कि कितना कठिन जीवन है। हर परिस्थितियों में आप गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, और जब मैं आप सबको देखती हूं तो इतना गर्व होता है आप पे कि आप इतनी दृढ़ता से, बगलामुखी माँ की शक्ति से, माँ ज्वाला जी की शक्ति से, माँ नैना देवी की जी की शक्ति से आप काम करती हैं, आप आगे बढ़ती हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो। हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई की परिस्थिति है, जिससे आपको इतनी मुश्किलें हुई हैं इन 5 सालों में, इनका सामना करने के लिए आपको कुछ मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपये आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। ये आपके संघर्ष की पहचान है, हम पहचानते हैं और सम्मान करते हैं आपका। हम चाहते हैं कि आपको अपने संघर्ष में मदद मिले, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप सब पढ़ लिख कर घर बैठे। हम चाहते हैं कि युवतियां भी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाए, आपको भी रोजगार मिले, आप भी जिम्मेदारी संभाले। इसीलिए सरकारी रोजगार की बात जब होती है तो हम ये खास, हम महिलाओं को भी इसमें हम मदद करना चाहते हैं। मैं जानती हूं कि तकरीबन हर जगह एक मोबाइल क्लिनिक है। ये स्वास्थ्य का काम भी कांग्रेस की सरकारों में शुरू हुआ था, लेकिन आज पिछले 5 सालों से ये हुआ है कि ये रेफरल सेंटर जैसे बन गए हैं। आज आप वहां पे अगर किसी चीज के लिए जाते हैं तो छोटी मोटी दवाइयां मिलती हैं, लेकिन ठीक से अगर कोई बड़ा इलाज करना हो या कोई बड़ी समस्या हो तो वहां पे इलाज नहीं होता। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में हम उन PHCs को मजबूत बनाएं, ताकि आपको इलाज वहीं पे मिले, अच्छी अच्छी दवाइयां, अच्छी अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे मैंने कहा, बागवानों को फसल का दाम, अपने सेबों का, मशरूम टमाटर का दाम खुद तय करने का हक होना चाहिए। ये हक हम आपको देना चाहते हैं।
हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे को के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो आपके और हमारे बीच, जो आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में रिश्ता है, वो एक बहुत गहरा प्रेम भरा रिश्ता है, एक निष्ठा का रिश्ता है, और हम चाहते हैं कि वो रिश्ता हमारे एक एक नेता निभाएं। और मैं आप सबसे भी अपील करती हूं कि एकजुट होकर ये चुनाव लड़िए, एकता दिखाइए, पार्टी को मजबूत करिए, ताकि हिमाचल प्रदेश मजबूत हो। यहां सोलन में ये निर्णय लिया गया है कांग्रेस पार्टी में कि यहां पे एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क खुलवाया जाए। ये फूड प्रोसेसिंग पार्क ऐसा होगा कि यहां पे जैसे अगर आप टमाटर उगाते हैं तो उसको प्रोसेस करना, केचप बनाना, दूसरी उसकी चीजें बनाना यहाँ पे हो सकती है, और यहीं से फिर वो पूरे देश में जा सकती हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा, और इसके लिए खास फंड हम देना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि देखिए, वचन तो सब करते हैं चुनाव में, हमें कैसे मालूम कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैंने भी देखा है, मैं सालों से यहाँ से गुजरती हूँ, आपने भी मुझे देखा होगा अक्सर, हर डेढ़ दो महीने में यहाँ से गुजरती हूँ। मुझे याद है पिछले चुनाव में भाजपा के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि यहाँ से हाईवे शिमला तक बनेगी। अब 4.5 साल से मैं जब ये हाईवे पे आती हूँ तो मुझे लैंडस्लाइड दिखता है, पेड़ कटे हुए पड़े हैं, कहीं पे काम रुका हुआ है, जैम है, लेकिन हाईवे नहीं बन रही थी। 6 महीने पहले जब मैं आई तो मैंने देखा कि अचानक काम शुरू, अचानक बहुत तेजी से हो रहा है, खूब धूल उड़ रही है, खूब बुलडोजर लगे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा ये तो जरूर चुनाव के लिए होगा। इसी तरह से उन्होंने कहा शिमला में हवाई अड्डा चालू हो जाएगा, ये पिछले चुनाव से पहले नहीं हुआ। हर बार मैं चेक करती थी कि भाई फ्लाइट चालू हुई, नहीं हुई। कब चालू हुई? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले, क्योंकि अब अगला चुनाव आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सारे नेता ऐसे ही करते हैं, आप में कौन सी खूबी है? मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकारें देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़े थे आपके सामने, क्या कहा उन्होंने, ओपीएस की बात की, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और अब झारखंड में भी ओपीएस लागू हो चुका है। तो थोड़ा सा आप अपना भी, अपनी भी सोच इन बातों पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि खोखली बातें कौन करता है, और जो सचमुच आपके लिए काम करना चाहता है वो कौन है। कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें, वाईएस परमार जी को, वीरभद्र सिंह जी को, ठाकुर रामलाल जी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां किसने बनाई, आईआईटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसने दी, सोलन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किसने बनाई, क्या इन लोगों ने बनाई, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, आप बताइए, सोच लीजिए। शिमला, कांगड़ा, नाहन, चंबा, मंडी में मेडिकल कॉलेज किसने बनाए, क्या इन्होंने बनाए, नहीं बनाए। क्या जो ये सब कराते हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा करते हैं, ठीक है, फायदा करिए अपने मित्रों का, लेकिन उससे कुछ रोजगार तो बने, क्या एक भी रोजगार बना है, क्या इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आपको एक भी रोजगार दिया है? लेकिन जो पीएसयू ये बेच रहे हैं उससे आपको रोजगार मिलता था ना, जो मेडिकल कॉलेज हैं वो आपका हुनर बढ़ाएंगे ना, शिक्षा के संस्थान हैं वो आपको आगे बढ़ाएंगे ना, उद्योग धंधे किसने बनाए यहाँ हिमाचल में? कांग्रेस ने आपका विकास किया, सच्चाई से किया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया, हो सकता है इसमें बीच में कुछ गड़बड़ भी हुई होगी, कई बार आप दुखी भी हुए होंगे, नाराज भी हुए होंगे हमारे नेताओं से, लेकिन नीयत साफ थी। गलतियां हो सकती हैं लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। तो आज इस मंच पे खड़े होकर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भाजपा के नेताओं की नीयत देखी है आपने, चुनाव से पहले कुछ, चुनाव के बाद कुछ। चुनाव के समय उन बातों पर ध्यान आकर्षित करेंगे जिनसे आपके विकास का कोई मतलब नहीं है, उनकी राजनीति से जरूर मतलब है। चुनाव के बाद जो आपका हक है
वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, जो आपका हक है आपसे छीना जाता है, जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलते नहीं है। तो आप सोचिए कि आगे 5 सालों में आप क्या चाहते हैं। आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसने 63,200 करोड़ हिमाचल पर कर्ज ले लिया। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में है, इतने करोड़ों रुपए का कर्ज है। आपका पैसा, हिमाचल का पैसा, आपके रोजगार, आपके कारोबार, आपका विकास, आपके पेंशन, उसमें नहीं खर्च हुआ ये सब पैसा, तो कहां गया? आप पूछिए, सवाल उठाइए। ये हिमाचल का पैसा था, हिमाचल के लोगों का पैसा था, आपकी पहचान बनी थी, इस प्रदेश से बनी है, आप गर्व हैं इस देश के। यहां इतने फौजी हैं, इतने लोग हैं जो हमारी सरहद पे खड़े होते हैं, शहीद होते हैं हमारे लिए, हमें गर्व है आप सब पर। लेकिन आप सही सवाल करिए, जो भी नेता आपके सामने आए उससे सही सवाल करिए। पढ़ी लिखी जनता है, सब समझते हैं। आज ये समय आ गया है बदलाव के लिए, इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए, वरना 5 साल और गुजर जाएंगे लेकिन आपका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता जो कभी अपने घर से निकलते नहीं हैं, जो आपकी समस्याओं को ना समझना चाहते हैं ना सुलझाना चाहते हैं, इनका आपके आपका कोई फायदा नहीं होगा, इनसे कोई काम नहीं है इनका आपके लिए। तो मैं फिर से कहना चाहती हूं कि जो रिश्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जो मेरे परिवार के सदस्यों का आपके साथ रहा है, उसको निभाना जरूरी है। आप सबसे मैं कह रही हूं, और मैं आपसे कहना चाहती हूं जो जनता यहां बैठी है, कि उस रिश्ते को निभाने के लिए दो तरफ आपको भी निभाना पड़ेगा, हमें भी निभाना पड़ेगा। हम अपना इन्हें कर्तव्य का पालन करेंगे, आपके लिए जी जान एक करेंगे, आपके विकास के लिए काम करेंगे। आप जागरूक बन जाओ, हमारे लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, अपने आप के लिए। जितने भी पढ़े लिखे नौजवान यहां हैं, आप समझ लो कि आपके भविष्य की बात है। अपने भविष्य को बहुत ही संजीदगी से लीजिए, आगे क्या चाहते हैं सोच समझकर अपना वोट दीजिए। आपने कहा कि 3 बजे ही शायद आचार संहिता लागू होने वाली है, चुनाव एकदम आ गया है। अब आप सबकी बातें सुनिए, उनका आकलन खुद करिए, सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, आपको निष्ठावान नेता मिलेंगे, आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो आपको सर्वोपरि रखेंगे। तो मेरी बातों पर आपने इतना ध्यान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देवभूमि को प्रणाम करते हुए, परिवर्तन की प्रतिज्ञा के साथ मैं ये अपना भाषण समाप्त करती हूँ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सही निर्णय लेंगे, आप सही निर्णय लेंगे और आप यहाँ पे बदलाव फिर से लाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सब लोग नारा लगाएंगे, आप बैठे रहिए। प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। प्रियंका नहीं ये आंधी है, प्रियंका नहीं ये आंधी है। प्रियंका जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, प्रियंका जी की बात पर, प्रियंका जी की बात पर। आप सब लोग का धन्यवाद। और अब धन्यवाद जो है, वोट ऑफ थैंक्स श्री हर्षवर्धन चौहान, जो शिलाई से हमारे एमएलए हैं, चीफ व्हिप हैं पार्टी के। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आए और आप लोगों को संबोधित करें, वोट ऑफ थैंक्स करें।
आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय महासचिव शुक्ला जी, प्रतिभा सिंह जी, सुखू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, मंच पे सभी महानुभाव उपस्थित, भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं अपनी तरफ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रीमती प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज समय निकाल करके हमारा जो हौसला बढ़ाया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है, और मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ा है, हौसला बढ़ा है, और हम इसको जीत में तब्दील करेंगे। आपके हम उम्मीद करेंगे कि आप आने वाले समय में भी जो है यहाँ आकर के हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, कांग्रेस जनों से मिलेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ आकर के समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।